अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी अंडे की सब्ज़ी। इसको मैंने जिस रेसिपी से बनाया है, आप भी मेरी रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को फुल देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये भगोने में मैंने पानी भर लिया है और अंडों को इसमें ऐड कर दिया है। हम भगोने में पानी इतना भरेंगे कि इसमें अंडे हमारे आसानी से डूबे रहें। अब इनको हम बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। ये भगोने को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, चूल्हा ऑन कर देंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसमें एक चम्मच जितना हम नमक ऐड कर देंगे। लो फ्लेम पे हम पानी को पहले गर्म होने देंगे, उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम करीब 5 से 7 मिनट अंडों को उबालेंगे। अब ये देखिए, करीब मैंने ये 15 से 20 कर लिए तो लहसुन के लिए हैं और ये एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और ये 3 प्याज लिए हैं। तो इनमें से ये वाला प्याज तो मैं बघार के लिए बचा लूँगी और इन सभी को हम मिक्सी की हेल्प से पीस करके मसाला रेडी कर लेंगे। लहसुन प्याज अदरक को मैंने देखिए जार में ऐड कर लिया है। अब इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी, बस एक घूंट जितना। इसका ढक्कन लगा दूँगी और इसको मिक्स की हेल्प से पीस के इसका मसाला रेडी कर लूँगी। ये देखिए, मसाला मैंने पीस लिया है। हमने अंडों को लो फ्लेम पे इसलिए रखा है जिससे कि हमारे अंडे टूटे नहीं। अगर हम स्टार्टिंग में ही फ्लेम को हाई या मीडियम कर देते तो हमारे अंडे टूट जाते। हमारे अंडे बॉयल होंगे इतनी देर में, हम अंडों को तो दूसरी साइड रख देंगे और इधर हम मसाला रेडी करेंगे। अब इसमें हम ये 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। मैंने सरसों का ऑयल ऐड किया है, आप चाहो तो दूसरा ऑयल भी इसमें ले सकते हो। ऑयल को गर्म कर लेंगे। ये देखिए, अंडों का पानी भी गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इनको करीब 5 से 7 मिनट हम बॉईल करेंगे और अंडों को उबाल लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बघार ऐड करेंगे। तो देखिए, मैंने 2-3 तो तेज़पत्ते लिए हैं और ये जो छोटा सा प्याज लिया था उसको कट कर लिया है और ये 4 मैंने लौंग ली हैं, 8-10 काली मिर्च ली है मैंने और ये 2-3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। बघार को इसमें ऐड कर देंगे। इनको चलाएंगे और प्याज़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये प्याज फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसमें मसाले को ऐड कर देंगे। अब ये थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मैंने जग को खंगाल लिया है। पानी को मिक्स करेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे। ये 1/2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी ली है, हल्दी को इसमें ऐड कर देंगे। ये 1/2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है, मिर्च को इसमें ऐड कर देंगे। और ये 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है, नमक को भी इसमें ऐड कर देंगे। नमक और मिर्चें आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अब इन सभी मसालों को हम मिक्स करेंगे और इनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अगर आपको अंडों को जल्दी बॉईल करना है तो आप पानी गर्म होने के बाद अंडों को ढक दें और ढक करके उनको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल करें, अंडे आपके बॉईल हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने अंडों को ढक दिया है। अभी मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको 5 मिनट बॉईल करूँगी, उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। अंडों को मीडियम फ्लेम पे बॉईल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को तो ऑफ़ कर देंगे और 5 मिनट हम इनको ऐसे ही और रहने देंगे इससे कि अच्छे से बॉईल हो जाए। 5 मिनट के बाद हम इनको निकाल लेंगे और इनको ठंडे पानी में डालेंगे और फिर इनको छील लेंगे। ये हमारे मसाले की भी बुनाई हो चुकी है, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो देखिए, मैंने 100 ग्राम दही लिया है, इसको मैंने चम्मच से फेंट लिया है। दही को हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने हल्का सा पानी लिया है, ये प्याली को इसे खंगाल लिया है। पानी को इसमें ऐड कर देंगे और दही को मिक्स करेंगे और इसी तरीके से चलाते हुए हम इसकी भुनाई कर लेंगे। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो दही फट जाएगा और हमारी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको छोड़े नहीं, इसमें बॉईल आने तक आप इसको इसी तरीके से चलाते रहें। दही में बॉईल आने तक हम फ्लेम को हाई रखेंगे, फिर इसमें बॉईल आ जाएगा तब उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम मसाले की भुनाई कर लेंगे। देखिए, इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है, अब मैं फ्लेम को तो मीडियम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे मसाले की भुनाई कर लूँगी। ये मसाले की भुनाई होगी तब तक मैं अंडों को छील करके रेडी कर लूँगी। ये देखिए, अंडों को मैंने छील लिया है, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, चूल्हा ऑन कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को गर्म कर लेंगे। ये अंडों को फ्राई करने के लिए ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम ऑयल में ही फ्राई हो जाते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम को तो हम मीडियम कर देंगे, अंडों को इसमें ऐड कर देंगे।
हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं, हम फ्लेम को तो ऑफ कर देंगे। अभी देखिए मसाले की भी भुनाई हो चुकी है, हम अंडे को इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें करीब आधा गिलास इतना पानी ऐड करेंगे। ये आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, गरम मसाले को भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छे से एक बार चला देंगे। सब्ज़ी में बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और सब्ज़ी को हम ढक देंगे और ढक करके हम इसको 3-4 मिनट तक पकाएंगे, इससे कि पानी का कच्चापन दूर हो जाए। सब्ज़ी को देखिए पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं, हम इसको खोल लेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसको मैंने धो करके काट लिया है। ये हरा धनिया इस पर ऐड कर देंगे, धनिया को इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर के रेडी है। अब फ्लेम को तो हम ऑफ़ कर देंगे, सब्ज़ी को डिश आउट कर लेंगे। इस सब्ज़ी को देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इस पर थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड कर देंगे। अभी हमारी सब्ज़ी सर्व करने के लिए रेडी है। तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से कितनी अच्छी हमारी अंडे की सब्ज़ी बनकर के रेडी हुई है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।